नमस्कार, लाइव सिटीज के एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आपको घर में कौन से पौधे लगाने चाहिए और कौन से नहीं। पौधों के कारण भी घर में धन और सुख संपत्ति के आगमन के आसार बनते हैं और साथ ही साथ गलत पौधे लगाने से आपको दरिद्रता और दुर्भाग्य का भी सामना करना पड़ता है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के लिए पेड़ पौधे बहुत आवश्यक होते हैं। धार्मिक दृष्टि से भी पेड़ों का बहुत महत्व माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कई ऐसे पेड़ पौधे बताए गए हैं जिन्हें घर में लगाने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो वहीं कई पौधे ऐसे भी हैं जिन्हें घर में लगाने से नकारात्मकता बढ़ती है। इन पौधों को घर में लगाने से आपके घर में अशांति और दरिद्रता का वास होने लगता है। कहा जाता है कि कुछ पौधों को कभी घर में नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा आपका सौभाग्य भी दुर्भाग्य में बदल सकता है। तो चलिए जानते हैं कि वे कौन से पौधे हैं जिन्हें घर में नहीं लगाना चाहिए। इमली का पौधा। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के अंदर कभी भी इमली का पौधा नहीं लगाना चाहिए। घर के आसपास भी इमली का पौधा होना शुभ नहीं माना जाता है। जिन घरों के पास या घर में इमली का पौधा होता है, वहां रहने वाले लोगों के जीवन में विभिन्न समस्याएं आने लगती है। परिवार के सदस्यों को बीमारियों का सामना करना पड़ता है। परिवार के सदस्यों की तरक्की में भी रुकावट आने लगती है। खजूर का पेड़। वैसे तो खजूर का पौधा लोगों के घरों में नहीं लगाया जाता है। यदि किसी का घर बड़ा या बगीचा बना हुआ है तो लोग घर में यह पेड़ लगा लेते हैं। वास्तु के अनुसार खजूर का पेड़ लगाने से धन का अत्यधिक व्यय होने लगता है। घर में पैसे नहीं टिकते और धन की आवक में भी रुकावट आने लगती है। बेरी का पौधा। घर में या आसपास बेरी का पेड़ होना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार बेरी के पौधे को सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव देने वाला माना गया है। यदि घर के आसपास बेर का पेड़ लगा हो तो हटवा देना चाहिए, अन्यथा आपके घर में दरिद्रता आने लगती है। इसलिए माना जाता है कि इस पेड़ में नकारात्मक शक्तियों का वास भी होता है। दूध निकलने वाले पौधे। वस्तु के अनुसार कभी भी घर में ऐसे पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए जिनसे दूध जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलता है। इन पौधों को घर में लगाने से नकारात्मकता आती है और घर में अशांति का वातावरण बनता है। इसके अलावे संतान बाधा भी हो सकती है। बबूल का वृक्ष या फिर अन्य कांटेदार वृक्ष। वस्तु के अनुसार घर में कभी भी कांटेदार वृक्ष नहीं लगाने चाहिए। बबूल का वृक्ष घर में या आसपास होना शुभ नहीं माना जाता है। माना जाता है कि कांटेदार पौधे लगाने से घर में अशांति के साथ दरिद्रता भी आने लगती है और माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। उम्मीद है ये तमाम जानकारियाँ आपके बेहद काम आएंगी। इसी तरह धर्म और अध्यात्म की दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए हमारे चैनल लाइव सिटीज एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।